ऑल राइट दोस्तों, आज है हमारे पास एप्पल वॉच अल्ट्रा जैसी दिखने वाली स्मार्ट वॉच, जो कि सिर्फ आपको 1800 रुपए के अंदर देखने को मिलती है। और इस वॉच को स्टार्ट करने पे आपको एप्पल लोगो भी देखने को मिलता है, और साथ ही आपको इस वॉच में ब्लूटूथ कॉलिंग, हार्ट रेट जैसे भी फीचर देखने को मिलते हैं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात की जाए इस वॉच की पैकिंग की, तो पैकिंग आपको कुछ इस टाइप की देखने को मिलती है। एंड इस वॉच के साथ आपको डबल बॉक्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वाले बॉक्स की बात की जाए तो फर्स्ट वाले बॉक्स में सबसे पहले आपको एक वॉच देखने को मिलती है। फर्स्ट लुक्स में वॉच आपको एप्पल वॉच अल्ट्रा की तरह देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए वॉच को साइड रख लेते हैं एंड देखते हैं और क्या क्या चीजें आपको बॉक्स के साथ देखने को मिलती है। देन आपको एक चार्जिंग केबल देखने को मिलती है, और इस वॉच के साथ आपको मैग्नेटिक चार्जिंग केबल देखने को मिलेगी। और इस चार्जिंग केबल की लेंथ की बात की जाए तो लेंथ मेरे को ओवरऑल छोटी लगी। और बात करूं इस वॉच के चार्जिंग टाइम की, तो ये वॉच अप्रोक्स 2 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। तो ये थे ओवरऑल फर्स्ट बॉक्स में मिलने वाले सभी कंटेंट्स। चलिए अब बात करते हैं सेकंड वाले बॉक्स की। तो सेकंड वाले बॉक्स में आपको ओशन लूप स्ट्रैप्स देखने को मिलते हैं, और जिनकी क्वालिटी की बात की जाए तो क्वालिटी मेरे को काफी अच्छी लगी एज कम्पेयर टू अदर क्लोन वॉचेस के साथ मिलने वाले स्ट्रैप्स। तो फिलहाल स्ट्रैप्स को साइड रख लेते हैं और बात कर लेते हैं हमारी वॉच की। तो चलिए अब फटाफट से रिमूव कर लेते हैं इस वॉच की रैपिंग। रैपिंग रिमूव करने के बाद आपको फर्स्ट लुक्स में वॉच कुछ इस टाइप की देखने को मिलेगी। काफी अमेजिंग सा लुक आ रहा है। तो चलिए आप फटाफट से स्ट्रैप्स लगा लेते हैं और बात करते हैं इस वॉच के एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर्स की। तो बात करें इस वॉच के फ्रंट साइड की, तो फ्रंट साइड पे आपको 1.99 इंच की HD डिस्प्ले देखने को मिलती है। एंड वॉच के राइट साइड पे सबसे पहले आपको एक क्राउन बटन देखने को मिलेगा, देन आपको एक माइक्रोफोन देखने को मिलता है, और लास्ट में आपको एक पावर ऑन ऑफ बटन देखने को मिलता है। एंड बात की जाए इस वॉच के बैक साइड की, तो बैक साइड पे आपको कुछ सेंसर देखने को मिलते हैं। एंड चारों कॉर्नर्स पे रियल स्क्रूज देखने को मिलेंगे, एंड साथ ही आपको स्ट्रैप्स लॉक्स भी देखने को मिलते हैं इस वॉच के साथ। एंड बात की जाए इस वॉच के अदर साइड की, तो अदर साइड पे सबसे पहले आपको एक स्पीकर देखने को मिलेगा, एंड लास्ट में आपको एक एक्शन बटन देखने को मिल जाता है। तो चलिए फटाफट से इस वॉच को स्टार्ट कर लेते हैं। वॉच स्टार्ट करने पे आपको एप्पल लोगो देखने को मिलता है, एंड हमारी वॉच 3 से 4 सेकंड में इजिली स्टार्ट हो जाती है। तो बात करें इस वॉच के साथ मिलने वाले कुछ इंटरनल वॉच फेसेस की, तो इस वॉच के साथ अराउंड आपको 10+ वॉच फेसेस का सपोर्ट देखने को मिलता है। एंड वॉच को ऐप के साथ कनेक्ट करने पे आपको 300+ वॉच फेसेस का मजा भी उठा सकते हो। एंड अब बात कर लेते हैं इस वॉच के UI की, तो राइट टू लेफ्ट स्लाइड करने पे आपको कुछ मल्टीपल फीचर्स देखने को मिलते हैं, और इन फीचर्स को आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज नहीं कर सकते हो। देन वॉच में लेफ्ट टू राइट स्लाइड करने पे आपको डेट एंड टाइम का फीचर देखने को मिलता है, एंड जस्ट उसी के नीचे आपको रिसेंट यूज्ड एप्लीकेशन देखने को मिलेगी। नेक्स्टली वॉच में अप साइड स्लाइड करने पे आपको मैसेज नोटिफिकेशन देखने को मिलती है। एंड वॉच में डाउन साइड स्लाइड करने पे आपको कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आपको एक ब्लूटूथ ऑन ऑफ का फीचर देखने को मिलेगा, देन आपको एक QR कोड देखने को मिलता है, जिसको स्कैन करने के बाद आप इस वॉच की एप्लीकेशन इजिली डाउनलोड कर सकते हैं, और वॉच का मेन्यू सेट वगैरह भी आप डायरेक्टली यहां से चेंज कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपको एक ब्राइटनेस फीचर देखने को मिलता है, और इस वॉच के साथ आपको 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है। मतलब वॉच को आउटडोर में यूज करने पे आपको कोई भी दिक्कत फेस करने को नहीं मिलेगी। सो अगर बात की जाए इस वॉच के मेन्यू सेट्स की, तो इस वॉच के साथ अराउंड आपको 4 मेन्यू सेट्स देखने को मिलते हैं, जो कि चारों के चारों मेन्यू सेट्स आपको पुराने तरीके में देखने को मिलेंगे। तो चलिए गाइस अब बात कर लेते हैं इस वॉच के कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस की। तो सबसे पहले आपको एक ब्राइटनेस फीचर देखने को मिलेगा, जिसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। एंड आपको एक अबाउट फीचर देखने को मिलता है इस वॉच में, जिसकी मदद से आप देख सकते हैं कि आपकी वॉच रियल है या फिर फेक। एंड इस वॉच के साथ आपको सभी टाइप के एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन का सपोर्ट देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो, तो इस वॉच के साथ आपको 15+ स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलते हैं। एंड उसके बाद आपको एक कैलेंडर फीचर भी देखने को मिलेगा, और अगर आप कैलकुलेशन वगैरह में कमजोर हो, तो इस वॉच के साथ आपको कैलकुलेटर भी दिया गया है, जिसका यूज करके आप अपनी कैलकुलेशन तेज कर सकते हो। बाकी अगर आप हमेशा गुस्से में रहते हो, तो आप अपना बॉडी टेम्परेचर भी नाप सकते हो। एंड मेरा बॉडी टेम्परेचर हमेशा की तरह हॉट है, और आप अपना बॉडी टेम्परेचर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड देन आपको एक कॉलिंग फीचर देखने को मिलता है, जिसकी मदद से आप किसी को भी कॉल लगा सकते हो। नेक्स्टली आपको एक कॉल रिकॉर्ड फीचर देखने को मिलता है, जिसकी मदद से आप देख सकते हैं कि आपने कब कब किससे बात की है। और अगर आप इंग्लिश में कमजोर हो, तो भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि इस वॉच के साथ आपको 10+ लैंग्वेजेस का सपोर्ट देखने को मिलता है। सो इस वॉच के साथ आपको स्टॉप वॉच भी देखने को मिलती है। एंड उसके बाद आपको एक सेटिंग फीचर देखने को मिलता है। सेटिंग फीचर के अंदर आपको मल्टीपल फीचर्स रिपीटेड दिए गए हैं, जिनके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। एंड उसके बाद आपको स्क्रीन ऑफ डायल का फीचर देखने को मिलता है। बाकी इस वॉच में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर जैसे ऐप की नोटिफिकेशन भी देखने को मिलती है। सो उसके बाद आपको रेस टू वेक फीचर देखने को मिलता है, और इस वॉच में रेस टू वेक फीचर प्रॉपर्ली वर्किंग देखने को मिलेगा आपको। तो चलिए आप टेस्ट कर लेते हैं इस वॉच के सेंसर। सेंसर टेस्ट करने के लिए मैंने ऑन कर लिया इस वॉच का हार्ट रेट फीचर। तो सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे इस टेबल का हार्ट रेट। तो थोड़ी देर वेट करने के बाद इस वॉच ने फाइनली हमारे टेबल का हार्ट रेट बता दिया है। तो कह सकते हैं इस वॉच के सेंसर आपको बिल्कुल ही फेक देखने को मिलते हैं। एंड लास्ट में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जितने भी ये क्लोन
कॉमन वॉचेस मार्केट में बिकती है वो सभी बिल्कुल भी मेडिकल यूज के लिए नहीं बनी हुई है। एंड उसके बाद वॉच में आपको एक म्यूजिक कंट्रोलर देखने को मिलता है जिसकी मदद से आप म्यूजिक वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं अपने फोन का डायरेक्टली वॉच में। एंड वॉच के लास्ट में आपको एक गेम देखने को मिलती है जिसका नाम है गेम 2408 जो कि हमेशा की तरह मेरे को कभी भी समझ नहीं आई है। तो ये थे इस वॉच के सभी ओवरऑल इम्पोर्टेंट फीचर्स। चलिए अब मैं आपको सुनाता हूँ इस वॉच का कॉलिंग एंड म्यूजिक साउंड। तो चलिए गाइस अब मैं सुनाता हूँ आपको इस वॉच का कॉलिंग साउंड। कॉलिंग साउंड टेस्ट करने के लिए मैंने कॉल कर लिया जियो के हेल्पलाइन नंबर पे। तो गाइज ये था इस वॉच का कॉलिंग साउंड। और गाइज मैं सच में बताऊं इस वॉच का साउंड मेरे को काफी लो लगा अदर वॉच के कंपैरिजन में। एंड चलिए गाइज अब मैं सुनाता हूं आपको इस वॉच का म्यूजिक साउंड टेस्ट। तो ये था इस वॉच का म्यूजिक साउंड टेस्ट। एंड आप मेरे को कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हो आपको कैसा लगा इस वॉच का साउंड। और गाइस इस वॉच को बारिश में भी पहन के आप जा सकते हो क्योंकि इस वॉच में आपको IP67 की वाटर रेजिस्टेंस ही देखने को मिलती है। और गाइस अगर आप इस वॉच को अपने फोन के साथ कनेक्ट करना चाहते हो तो आपको इजिली प्ले स्टोर पे चले जाना है एंड सर्च कर लेना है यूफिट नाम से एप्लीकेशन और फटाफट से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेनी है। एंड डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली इस ऐप को ओपन कर लेना है एंड उसके बाद आपको सिंपली इक्विपमेंट वाले फीचर में चले जाना है। इक्विपमेंट वाले फीचर के अंदर आपको एड डिवाइस का फीचर देखने को मिलेगा एंड उस पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपका फोन सर्च करेगा नियर बाय वॉच एंड वहां से आपको ऑटोमेटिकली आपके वॉच का नाम देखने को मिल जाएगा और उसके बाद आपकी वॉच सिंपली कनेक्ट हो जाएगी आपके फोन के साथ। और अगर आप अपने वॉच में कस्टमाइज वॉलपेपर लगाना चाहते हो तो आपको सिंपली वॉच फेस सेटिंग में चले जाना है एंड वहां से आप कस्टमाइज वॉलपेपर सेट कर सकते हो अपनी वॉच में। और अगर अपनी वॉच में ऑन ऑफ लोगो चेंज करना चाहते हो तो लोगो सेटिंग में जाके सिंपली एक फोटो सिलेक्ट कर लेना और उस पर सेव पे क्लिक कर देना, इजिली आपका लोगो चेंज हो जाएगा। तो इस वीडियो का देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि आपको ये स्मार्ट वॉच परचेज करनी चाहिए या फिर नहीं। सो अगर आप परचेज करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और चैनल पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।